दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी डबल ए एस एस आर से रिटर्न यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स का पेपर कराऊंगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। पिछले वर्ष का मैं आपको नेवी डबल एस आर का बहुत एग्जाम का था जो पेपर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स का जो पेपर है वो मैं आपको कराऊंगा, और यहाँ पे आप 25 क्वेश्चन देख सकते हैं। और मतलब ये भी नहीं है कि आपके साथ एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा लेवल कैसा है पेपर का, और आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे यही देख लीजिए क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका वैसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, या वन लाइनर क्वेश्चन का, या ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इन तीनों से मिलकर आपकी फिजिक्स आती है एयरफोर्स नेवी में, ठीक है। नेवी डबल एसएसआर का बोर्ड का एग्जाम का फिजिक्स का पेपर है पिछले वर्ष का, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, पूरा बात जरूर करिएगा, पूरा आप लोग देखते नहीं वीडियो को, पूरा देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है आप समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, समतल कोण का एसआई मात्रा क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, जो मतलब वन लाइनर क्वेश्चन होगा उसको सीधे मैं बता दूंगा। समतल कोण का एसआई मात्रा होता है रेडियन, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा कि समतल कोण का क्या मात्रा होता है, ठीक है। चलिए तो समतल कोण का एसआई मात्रा होता है यहाँ पे आपका रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ आप कमेंट में 25 में से आप अपने मार्क्स जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, शेयर लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये नेवी डबल एस एस आर का फिजिक्स का पिछले वर्ष का पेपर है, ठीक है। चलिए तो चुंबकीय आघूर्ण का विमित सूत्र क्या होता है, मैं आपको ये बता दूँ। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो फिजिक्स है, फिजिक्स का आपको मजबूत करनी है तो अभी केवल अभी तुरंत अभी ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, फिजिक्स के आल फार्मूले, फिजिक्स के फार्मूले एयरफोर्स एक्स ग्रुप या नेवी से, क्योंकि फार्मूले तो सेम ही है, होते हैं सब में, दोनों में एक ही है। फिजिक्स पढ़ लेना, फिजिक्स का फार्मूले पढ़ लेना, दूसरी चीज़ विमित सूत्र पढ़ के जाइएगा, इनसे आपके तीन नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं और आपका यहाँ से बेसिक मजबूत होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको देख के जाइएगा, ठीक है। तो मैंने आपका टाइम थोड़ा बर्बाद कर दिया। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका यहाँ पे आई एल स्क्वायर है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए याद क्या करना है, चूंकि आघूर्ण को ऐसे इसका होता क्या है, एम स्क्वायर मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ए को किससे डिवाइड करते हैं, आई से, क्योंकि एम्पियर का धारा होता है ना, मीटर को एल से, तो ए स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, तो आई एल स्क्वायर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको केवल याद रखिएगा, 52 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टेरा कितने के बराबर होता है, बिना टाइम बर्बाद करते हुए, 10^12 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बताइएगा। ये तो आप काट देंगे, इन दोनों में बताइए क्या हो सकता है, बताइए जरा। 25 में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। इसी तरह मैं आपको फिजिक्स बिल्कुल सिंपल करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल फिजिक्स बिल्कुल सिंपल लगेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चैनल से बने रहिएगा बस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका 10^-15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि उदर्ग रूप से ऊपर की ओर जाने वाली वस्तुओं के लिए त्वरण जो एसिलेशन होता है, त्वरण को ऐसे डोंट करते हैं, क्योंकि उसको एसिलेशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उसका चिन्ह पूछा गया ऊपर, जैसे कि ऊपर की ओर जब से जा रहा है उदर्ग रूप से ऐसे जा रहा है ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो त्वरण होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, या तो फिर ऋणात्मक कह सकते हो, या फिर निगेटिव कह सकते हो, इंग्लिश में लिख क्या सकता है, ठीक है। तो वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, 55 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कर दें, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए इसमें आप क्या, आपका क्या दिया है समझिएगा, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 टाइप के आपके क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 25 टाइप से अलग अलग टाइप है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे 25 के 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाएंगे फिजिक्स के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इससे फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये नेवी हमारे का पिछले वर्ष का पेपर है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कण विरामावस्था से समरूप त्वरण के साथ गतिशील है 30 सेकंड बाद, इसका विस्थापन मीटर में निम्न है, x बराबर लिखा है 5+8t+90² तो t बराबर 4 सेकंड दिया, पर उस पर वेग क्या होगा। आप दो तरीके से मैं इसको बताऊँगा, मतलब दो तरीका नहीं, पर देखिए इसमें ऐसे बताएंगे, x बराबर जैसे 5+8t+90² है, जब भी ये ऐसे दिया जाता है तो आप समझ जाइए कि अवकलन करना है। दूसरी बात तो ये, पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात ये साफ साफ वेग पूछा कि वेग क्या होता है, dx/dt होता है, ठीक है। चलिए तो आप इसका ये कि t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। देखिए अवकलन रुकिएगा, एक मिनट अवकलन कर दें, एक मिनट रुकिएगा, 80+90². चलिए तो यहाँ पर x t के सापेक्ष करना है ना, तो dx/dt हो जाएगा, ये 5 का 0 बचेगा, 8 का 8 बचेगा, 90 स्क्वायर तो 9 × 9 = 18 और ये टी बचेगा। अब टी का मान 4 रखने पर, अब ये अब यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, एक मिनट, ये dx/dt बराबर हो जाएगा 8+18t, 18 × 4 18 × 72 72 8 कितना होता है, 72 8 80 होता है, एक मिनट रुके केवल। चलिए तो dx/dt कितना होगा दोस्तों, देखिए सिंपल सा है, 80 मीटर पर सेकंड उसका है, लेकिन आपका उसमें वेग पूछा गया था,
तो आपको मैंने बताया था dx अपॉन dt क्या होता है, v बराबर dx अपॉन dt होता है, तो v बराबर हो गया 80 मीटर पर सेकंड। आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल हो जाएगी फिजिक्स, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है भाई। ये किसी तरह मैं आपको अगर कराता रहूँ तो आपके लिए फिजिक्स सिंपल हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको कराता रहूँगा अक्सर, ठीक है। अब देखिए प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक करके अभी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा डिफरेंस स्टडी में फिजिक्स क्वेश्चन कराएं आप काफ़ी प्रैक्टिस सेट वो भी। देखिए यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस का 2j कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान पूछा गया है। सिंपल सा, इसमें कोई कठिन नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आपको जोड़ देना है। तो इसमें यहाँ पे क्या निकला, आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या निकल जाएगा, रुक जाइए अभी तो और बचा है, पहले तो इसको जोड़ देते, रुक जाए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5i कैप प्लस माइनस का 2 प्लस का 3 है तो प्लस का बचेगा, प्लस का 1j केवल j कह सकते हो, लेकिन इसमें क्या दिया, मॉडुलस दिया है, मतलब मापांक दिया गया है, तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर आपको यदि मापांक दिया जाता है ना तो उसका फिर वो आपको वाला स्क्वायर करना, 25 और j का 1 हो जाएगा, 25 प्लस 1 26, रूट 26 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लिखा है इसको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो 58 का यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो आपकी सदिश राशि है। देखिए याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये बात ध्यान रखिए, ऑकलन में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आगे आने वाले समय में आपको आगे मैं गणित भी कराऊंगा, चिंता मत करिएगा, आगे आने वाले समय में आपको सब कुछ पढ़ाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैनल पर। देखिए इसमें ये है कि आप लाइक सब्सक्राइब चैनल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा नहीं करना, जैसे कि सब्सक्राइब मत करिएगा, ऐसे मत करिएगा, पहले आप प्ले लिस्ट जाकर देख लीजिएगा आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर आप मैंने कंटेंट कराया है आपके लायक नहीं, तो उस प्रकार से आपको सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए तो इसमें ये देख एक बार प्ले लिस्ट देख लीजिए, वैसे आप लोग प्ले लिस्ट देखते हैं मेरे कहने पर, ठीक है। चलिए तो ये कि सदिश राशि पूछा गया, तो विस्थापन यहाँ पे सदिश राशि, इसको याद करने का तरीका ये है कि जहाँ पे वह आता है वो सदिश राशि है, लेकिन ये रूल केवल 100 में 70% तक फॉलो होता है, मतलब कि अपवाद भी हैं कि वह जब होता है तो भी सदिश राशि नहीं होती, पर यह अधिकतर देखा गया है कि जहाँ पे वह होता है वह मतलब वहाँ सदिश राशि होती है। ये देखिए पूरा वह है फुल वह, लेकिन ये आधा वह है तो इसमें ये तो आधा वह नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिए वो तो सदिश नहीं फिर ये, तो ये पूरा वह आता है वहाँ सदिश राशि होती है और ये 100 में 70% रूल फॉलो रहता है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, किसी कृत्रिम उपग्रह की दूरी पृथ्वी के केंद्र से 4.25 N/7 मीटर है या 3 N/3 मीटर पर सेकंड की चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस उपग्रह पर कार्यकारी अभिकिरण त्वरण ज्ञात करिए, ठीक है। तो अभिकिरण त्वरण का सूत्र बताते हैं आपको क्या होता है, ए बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, ठीक है। तो आपका जैसे कि आपको ये देखिए क्या लिखा, पृथ्वी केंद्र से ये दूरी दी गई है, दूरी पृथ्वी केंद्र से, तो r बराबर तो दूरी होता है तो v मतलब कि ये तो v दिया है, फिर ये चाल दिया ना v हो गया, तो 3 N/3 हो गया और कितना, हाँ v स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और ये r कितना, 4.25 N/7। अब ये गुणा कर लीजिएगा, अब सिंपल है देखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बस ये है कि आपको ये केवल आना चाहिए कि a बराबर स्क्वायर अपॉन में r होता है, ठीक है। तो उसमें 0.21 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, कमानी में संचित ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा है बताइए, 60 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे राइट ऑप्शन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका ये रुकिएगा, ये आपका डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन ये आपका पेपर में आया था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इनके मतलब सेम ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको याद कर लेना इसको क्या होगा राइट ऑप्शन, एक मिनट पहले इसको देख लीजिए, कि यदि M1 और M2 द्रव्यमान के दो कणों के बीच की दूरी डी है, तो इनके द्रव्यमान की रेंज की दूरी M2 द्रव्यमान के स्थान से क्या होगी, M2 के स्थान से पूछी गई है, तो ये कि M2 के स्थान से पूछी गई, तो ऊपर M1 होगा, इतना तो क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे M1 प्लस M2 भी दिया, दो कारणों में ना, तो नीचे तो M1 प्लस M2 जरूर होगा और ऊपर क्या होगा, वो M1 होगा, किसके साथ यहाँ पर डी के, तो M1D हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सीधा आप याद कर लीजिएगा, इसका थोड़ा बड़ा भी रूल है, बड़ा रूल है, केवल इसको सीधे याद कर लीजिएगा आप, सिंपल सा, ठीक है। पेपर में सेम टू सेम पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में सेम, ये देखिए आप पेपर ही है तो पेपर में तो पूछा गया है, देख लीजिए ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे व्यास दिया गया, बस ये चीज़ आपको फोकस करना था यहाँ पे, ठीक है। देखिए लिखा है वृत्ताकार शक्ति के, ठीक है, वृत्ताकार शक्ति के जड़त आगूण व्यास के परिता, ठीक है, व्यास के परिता, यहाँ पे व्यास दिया, ध्यान दीजिएगा व्यास जब दिया जाता है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 62 नंबर क्वेश्चन है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे M r² होता है, M r² अपॉन में 4 होता है, ठीक। जहाँ पे M मतलब शक्ति का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान तो M होता है, वैसे भी शक्ति का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, और R शक्ति की त्रिज्या होगी, ठीक है।
63 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नितांग जी कैपिटल जी होता है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू होता है, विमी सूत्र ये याद कर रखिएगा, ये अक्सर पूछा थी सहांतक की बहुत पूछी जाती है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन होती है, अक्सर ये सहांतक पूछी जाती है तो याद कर लीजिएगा। तो ये कि गुरुत्वाकर्षण जो कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10^-11 होता है न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये अब ये पूछा गया कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो सभी ग्रह पर समान रहता है, कभी बदलता थोड़ी ना कि आज 6.67 तो कल ये हो जाएगा या फिर किसी किसी वैल्यू, देखिए नियत रहता है ठीक है। तो या तो ये है कि न्यूमेरिकल में कभी कदर आपका कैपिटल जी का मान दिया जाएगा या कभी कदर नहीं दिया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है ठीक है। चलिए तो वैसे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको पर याद कर लीजिएगा, शायद ना दिया जाए ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, बताइए जरा। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, यहाँ पर दूसरा नंबर आपका 64 का दूसरा नंबर राइट है ठीक है, 63 का बता दिया ना ठीक है, पहला राइट था। दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, 65 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पास्कल के नियम, दाब दिया जाए प्रेशर होता है जो वो पास्कल से संबंधित है ठीक है, पास्कल के नियम से। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक मिनट रुके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ पे एक मिनट रुके। अब देखिए, किसी ध्रुव ए का विशिष्ट गुरुत्व 0.8 तथा दूसरे ध्रुव बी का विशिष्ट गुरुत्व 0.5 है, यदि ए की 3 लीटर की ऊष्मा धारिता बी के 2 लीटर की ऊष्मा धारिता के बराबर हो, मतलब ए की और बी के बराबर की बात की गई है, तो ए एवं बी के विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं का अनुपात क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें ए और बी बराबर करना था, तो पहले तो ए का देख लेते हैं, ए का विशिष्ट गुरुत्व मतलब कि ए का कितना दिया गया था, ए का 3 लीटर, 3 लीटर का ए पर द्रव्यमान, क्योंकि ए का मतलब ए 3 लीटर का एक ए पर द्रव्यमान, तो 3 लीटर आपको ये लीटर को उसमें चेंज करना पड़ेगा ठीक है, 1000 से गुणा करना, उसमें दिए गए आपको यूनिट इसमें चेंज करनी पड़ेगी, गुणे में 0.8 ग्राम, और चलिए तो इसमें गुणा कर लीजिएगा इनका, कितना आएगा 2.4 किलोग्राम बचेगा ठीक है। चलिए अब बी का निकाल लेते हैं, ये कि 2.4 है ए का, और बी का निकाल लेते हैं, बी का कितना 2 और 7 में कितना था, सॉरी 2 गुणा भी करना है 1000 से, फिर उसमें क्या है 2 लीटर कितना दिया गया था बी का, 0.5 दिया बी का, तो इससे आप गुणा कर लीजिएगा 1 आएगा केवल 1 किलोग्राम। अब इसमें ये ए का है ये बी का है, अब इसमें क्या पूछा गया, उसमें ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता मतलब इसमें क्या है, ए एवं बी बराबर है, तो विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं का अनुपात क्या होगा, तो आप इसको अब ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो 2.4 आया था ए का गुड़े S1 बराबर, कितना एक आया था गुड़े में S2, सिंपल सा है, तो S1 S2 बराबर हो जाएगा एक अनुपात में 2.4 ठीक है, या फिर कह सकते हो S1 S2 बराबर 1:2.4, ये आपका यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको लीटर में थोड़ी चेंज करना पड़ेगा, ये खुद सोचिए कि आप 2-3 लीटर तो उसको लीटर में चेंज करेंगे, उसको बदलना तो पड़ेगा आपको, यूनिट को तो बदलना पड़ेगा, यूनिट बदलना पड़ेगा ठीक है। चलिए ये देखिए, अब क्या बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो वो आपकी 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है कि 69 नंबर क्वेश्चन दिया कि ना, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ये पढ़ा हुआ क्यू बराबर एन ई होता है, जहाँ पे चलिए तो एन बराबर होगा क्यू अपॉन में ई, यहाँ क्यू कितना दिया, क्यू आपका एक कूलम दिया मतलब एक, ई कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10^-19 कूलम होता है। अब ये कि 1.6 का गुणा इसमें कर दीजिएगा और ये सब थोड़ा हल करिएगा, गुणा देखिए भाग देना है केवल आपको, तो 6 पॉइंट ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में ठीक है, पिछले वर्ष का पेपर है नावी डबल SSR का बोध का, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है लिखा है। ये सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ई व बी में रिलेशन बताना आपको, बताइए जरा क्या होगा। 70 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइट ऑप्शन तीसरा पार्ट है, यहाँ पे ई बराबर -dV/dr हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, ये ऑप्शन राइट है। लिखा है कि यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संटित गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का 1% ही प्रवाहित हो तो संट का प्रतिरोध क्या होगा, संट का प्रतिरोध पूछा गया, तो इसके लिए सूत्र आपको आना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे आप सूत्र बताता हूँ क्या होता है ठीक है। तो IG बराबर होता है IS/G+S होता है, ये आपका सूत्र होता है, और ये होता है कि IG क्या दिया गया, IG आपका 1% दिया, 1% मतलब हो जाएगा 1/100 ठीक है, ये तो आप समझ गए, और ये भी समझ लीजिएगा यहाँ पे G क्या होता है, यहाँ पे G जो संट का प्रतिरोध होता है उसमें G को मतलब प्रतिरोध मानते हैं
यहाँ पे जी की, जी को मतलब प्रतिरोध माना जाता है, वैसे आर को प्रतिरोध माना जाता है वैसे, लेकिन इसमें चेंज है थोड़ा। आपने इंटर इंटर पढ़ा होगा कि ये आई जी जहाँ सूत्र है इसमें, इसमें जो जी होता है उसको आपको प्रतिरोध माना जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें आई, आई क्या होती है, आई मुख्य धारा होती है। सब ये इसमें सब कुछ दिया गया, आपको यहाँ पे मान रखना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिए होंगे, ये देखिए चार ऑप्शन ये दिए गए हैं, ठीक है। तो आप हल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन ए को आ जाएगा, पहला ऑप्शन राइट है। प्रिज्म का विचलन, देखिए सूत्र याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। प्रिज्म का विचलन सबसे कम होता है, 72 नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर लाल रंग की, टाइफाइड रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, 73 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एब्रथेला टाइफोसा, ठीक है। सबसे छोटा बीज होता है उसमें, सॉरी सबसे छोटा बीज होता है, बताइए तो किसमें होता है। चारों ऑप्शन को देख सकते हैं आप, 74 नंबर का यहाँ पे आर्किड का। प्रोड्यूसर गैस है तो CO+N2 होती, सिंपल सा है। 75, हाँ ये वेरी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का है, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आ जाता है, एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं केमिस्ट्री से, बायो से, वैसे और आपके 23 नंबर तक आपके फिजिक्स के होते हैं, भौतिक विज्ञान के। चलिए तो दोस्तों आप खुद दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, आपको कितने मिनट हो गए, एक मिनट देख लें, जाएगी 15 मिनट तक लगभग हो गए, 16 मिनट तक, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अब बताते हैं, एक मिनट रुकिएगा, देखिए एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे देखिए डिफेंस स्टडी लिख के आ रहा होगा, अब आप तुरंत काट देंगे यहाँ से वीडियो मेरा, मत काटिएगा, एक सेकंड सुन लीजिएगा, डिफेंस स्टडी लिख के आ रहा होगा, उसमें आप क्लिक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लेलिस्ट आप दे सकते हैं, मैंने काफ़ी आपको फिजिक्स भी कराई है, इंग्लिश भी कराई है, एयरफोर्स XY दोनों नेवी से भी कराई हैं, प्रपोजिशन कराई हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं, फुल प्रैक्टिस सेट भी कराया है, और यहाँ पे मैंने रीजनिंग आपको सब कराई है, नेवी में तो रीजनिंग आपकी कम आती है, रीजनिंग ना के बराबर आती है, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की रीजनिंग कराई है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ कराई है, एक मिनट सुन लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और मैंने आपको ये कि सब कुछ करा दिया, यदि आपने प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा जाके, वैसे ये बात है कि आप लोग मेरे कहने से प्लेलिस्ट जरूर चेक करते हैं, वो बात अच्छी है, पर जो नए हैं उनको बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग भी नए हो, क्योंकि मतलब कि जैसे कि मैं दो तीन से ज़्यादा, जैसे YouTube में दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं जाती, कभी कभार मैं ज़्यादा वीडियो बना देता हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचती हैं, जिससे आप वीडियो नहीं देखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब वीडियो डाला। तो आप प्लेलिस्ट बार बार चेक करते रहिएगा बस, ठीक, इतना ही कहेंगे, ठीक है आपसे। और ये कि चैनल अभी चैनल पर ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पिछले वर्ष का पेपर था, आपको इसी तरह से हल करना है, कम समय पर अच्छी तरह से हल करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको मतलब थोड़ा आराम से ही करिएगा, ठीक है, पेपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। सरल अगर सोचेंगे, सरल फिजिक्स तो सरल होएगी, ठीक है, कठिन सोचेंगे तो कठिन बन जाएगी, सरल सोचेंगे तो आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की, तो आपको सरल लगेगी फिजिक्स, ठीक है। यदि दोस्तों वीडियो यार अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।